बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आकाश आबद, आप देख रहे हैं कारी शंटू चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है एजुकेशन के हवाले से, हम फोर तौर पर आपके साथ शेयर करते हैं और क्वार ड्यूटी के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेपर स्कीम के हवाले से। जो पाकिस्तान स्टडी का जो आपका पेपर होगा, ये स्क्रीन के ऊपर जो है जो स्कीम है वो दे सकते हैं। बाकी जो है एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ जो थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, कि जो पाकिस्तान स्टडी का जो पेपर आपका होगा, मुताला पाकिस्तान का जो पेपर होगा, जो मरूजी जो उसका होगा वो होगा, मरूजी के जो नंबर होंगे वो 10 नंबर होंगे और 10 एमसीक्यूज जो हैं वो आपने जो है वो आपको पेपर में आएंगे। और इसके अंदर ये देखें लिखा हुआ है, वक्त आपके पास 15 मिनट होगा, कुल नंबर जो है वो जो है इसके 10 होंगे और 10 एमसीक्यूज जो हैं आपने हल करने होंगे। और ये अहम जो एमसीक्यूज हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इनके आंसर भी दिए हुए हैं, आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। आप जो है इन सारे एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से जो है वो नोट कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें जो इसका जो है सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसका जो टोटल टाइम होगा वो 1 घंटा 45 मिनट जो है इसका टाइम होगा और कुल नंबर इसके जो हैं वो 40 होंगे। और पेपर के टोटल जो नंबर होंगे 10 एमसीक्यूज के नंबर और 40 सब्जेक्टिव के नंबर, 50 नंबर का ये आपका पेपर होगा, ठीक है। इसमें 17 नंबर वाला जो बच्चा है वो पास होगा, जिसके 17 नंबर से कम नंबर आएंगे वो इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। अच्छा, कम से कम आपको पास करने के लिए 17 नंबर चाहिए। और इसके जो है उसके बाद जो है आपके शार्ट जो क्वेश्चन होंगे, जो अहम शार्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन के ऊपर आप दे सकते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे तरीके से जो नोट कर लीजिएगा, जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। और ये 2 नंबर का एक शार्ट क्वेश्चन होगा, ठीक हो गया जी। ये स्क्रीन के ऊपर जो है आप सारे शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह सेक्शन 2 हो गया, इसमें से कोई से 2 सवाल के आपने जवाब जो हैं वो देने हैं। टोटल इस सेक्शन 2 के 16 नंबर हैं और इसमें से जो है 8 नंबर का जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक हो गया। 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं वो 16 नंबर के होंगे। आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग दिए जाएंगे, उनमें से आपने 2 क्वेश्चन जो हैं वो करने होंगे। तो ये भी आप नोट कर लें, जो अहम आपके सामने जो क्वेश्चन है। तो ये अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, अगर आपने ये वाला पेपर स्कीम अगर आपने डाउनलोड करनी है, अगर आपने जो है ये वाला जो मैंने अभी आपके साथ अहम क्वेश्चन शेयर किए हैं, अगर ये डाउनलोड करने हैं, तो ये इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने गूगल पे जाके लिखना है वकास आबद, ठीक है, .com लिख दें, जो पहली वेबसाइट आएगी वहाँ पे मैंने ये पेपर स्कीम भी अपलोड कर दी है। ये देखें वेबसाइट के ऊपर ये सारी पेपर स्कीम है और ये वाला जो है MCQs हैं जो मैंने शेयर किए हैं और ये जो पेपर है वो है। तो आप जो है वकास आबद .com वेबसाइट के ऊपर जाके भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ 9th क्लास के हवाले से और 12वीं क्लास के हवाले से और जो है 11वीं क्लास के हवाले से भी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी, जो पेपर स्कीम होगी वो भी शेयर करूंगा, गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा आपके साथ और सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है मिलती रहेगी। और दूसरा चैनल हमारा जो है वो वकास आबद के नाम से है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ अपडेट्स इस चैनल के ऊपर मिलेंगी, कुछ अपडेट जो है कैडिशन में मिलेंगे, कुछ वकास आबद के ऊपर मिलेंगे, ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद ही होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।